पैसा एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर किसी को चाहिए, चाहे वो कोई एक बच्चा हो या फिर कोई करोड़पति। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा आज के टाइम पे किसके पास है? क्या वो बिल गेट्स है या मार्क जुकरबर्ग या फिर इंडिया का मुकेश अंबानी? इन लोगों की तरह पैसे कमाने का सपना हम में से कईयों ने अपने जिंदगी में एक ना एक बार देखा ही होगा। ये दुनिया जिसमें 700 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पैसे कमा पाना दिन ब दिन काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो कौन होगा जो दुनिया का पहला ट्रिलियनर होगा? अब ये ट्रिलियनर सुन के आपको लग सकता है कि वो कितना पैसा होगा। तो जैसे 1 बिलियन मतलब होता है 10 लाख और 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, ठीक वैसे ही 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, जिसमें 1 के पीछे 12 ज़ीरोज़ आते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि 1 ट्रिलियन मतलब कितना पैसा हो सकता है। और अगर वो पैसा डॉलर में हो तो इंडियन रुपीस में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, जरा सोचो। तो इतना पैसा क्या आज के टाइम पे दुनिया में किसी के पास नहीं है? तो जवाब है नहीं। लेकिन जो भी दुनिया का पहला ट्रिलियनर होने वाला है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर कोई एक ऐसा आदमी जिसे ये दुनिया आज के टाइम पे जानता भी नहीं है। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि आने वाले 20 से 30 साल के अंदर इस दुनिया को अपना पहला ट्रिलियनर मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कैसे? कैसे कोई इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेगा, जिससे कई हजार लाखों गुना कम दौलत कमाने में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की अपनी जिंदगी निकल जाती है? और उसका एक ही जवाब होता है और वो है एस्ट्रॉयड माइनिंग। अब ये एस्ट्रॉयड क्या होता है? एस्ट्रॉयड असल में सोलर सिस्टम के बाकी और प्लैनेट्स की तरह लेकिन काफी छोटे पत्थर का बना ऑब्जेक्ट होता है जो सूरज को सेंटर एज्यूम करते हुए घूमता है। लेकिन एस्ट्रॉयड का कोई फिक्स्ड रेगुलर शेप नहीं होता है और यही एस्ट्रॉयड सबसे ज्यादा मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में लगभग 20 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉयड मौजूद है। अमेरिका के मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टाइसन ने 2016 के इंटरव्यू में ये बात कही थी। It is likely that the first trillionaire will be the person who exploits the mineral resources on asteroid. मतलब दुनिया का पहला ट्रिलियनर वो इंसान होगा जो उस एस्ट्रॉयड में मौजूद महंगी मिनरल्स को निकाल पाएगा। और उनका ये स्टेटमेंट एकदम सही था, क्योंकि हो सकता है ये एस्ट्रॉयड दिखने में बहुत ही चीप और मामूली लगे, लेकिन इन एस्ट्रॉयड में मौजूद मिनरल्स की कीमत हमारी धरती पर इतना ज्यादा है कि जिसका इमेजिनेशन करना भी नामुमकिन है। नासा ने अभी तक हजारों ऐसे एस्ट्रॉयड को ढूंढ निकाला है जो हमारी धरती के काफी करीब मौजूद है, जिनमें से कुछ एस्ट्रॉयड की कीमत कई ट्रिलियन डॉलर्स के इक्वल है। नासा के मुताबिक हमारी धरती के करीब 14,000 से ज्यादा एनियो यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स है जो समय समय पे धरती के बहुत ही करीब से गुजर जाते हैं। अब स्पेस में जाकर उन एस्ट्रॉयड से वैल्यूएबल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके धरती पर लाने में हो सकता है कई लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च हो जाएंगे, लेकिन उन एस्ट्रॉयड में मौजूद मिनरल्स की कीमत के सामने ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं। तो जो कोई भी स्पेस में जाकर उन एस्ट्रॉयड के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके पृथ्वी पर लाने में कामयाब होगा, वही होगा दुनिया का पहला ट्रिलियनर। जुलाई 2015 को एक एस्ट्रॉयड जिसका कोड नेम था 2011 UW158 धरती से सिर्फ 2.4 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरा था, जो अर्थ और मून के आपसी डिस्टेंस से 6 गुना ज्यादा दूर था। उस एस्ट्रॉयड के कोर में 9 करोड़ टन प्लैटिनम था। साइंटिस्ट के अनुसार इस 1 किलोमीटर वाइड प्लैटिनम के एस्ट्रॉयड की कीमत 5.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ये एक एस्ट्रॉयड की कीमत पूरे दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंपनी के कीमत से भी कई ज्यादा है। लेकिन इससे भी महंगी एस्ट्रॉयड धरती के करीब से गुजरा है। 15 फरवरी 2013 को 30 मीटर वाइड एस्ट्रॉयड 2012 DA14 धरती के और भी करीब से गुजरा था। ये एस्ट्रॉयड धरती के इतना नजदीक आ चुका था कि धरती के करीब मौजूद जो स्पेस सैटेलाइट का रीजन है उस रिंग के अंदर ये एस्ट्रॉयड घुस गया था, जिसकी दूरी धरती से सिर्फ 35,000 किलोमीटर तक की थी। अर्थ से मून का डिस्टेंस है 384,000 किलोमीटर, जिसका मतलब 2012 DA14 की दूरी चांद और धरती के डिस्टेंस से 1/11 डिस्टेंस जितना था। मतलब समझ लो कि ये डिस्टेंस कितना कम था। ये एस्ट्रॉयड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से धरती के करीब से गुजर गया था, और अगर गलती से भी इसका टक्कर धरती से होता तो वो एस्ट्रॉयड एक 2.4 मेगाटन बॉम्ब के जितनी तबाही फैलाता। 2012 DA14 के गुजरने के 16 घंटे बाद
एक मीटियर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसकर रशिया में जाकर क्रैश हुआ था, जिसका वीडियो आप में से कईयों ने यूट्यूब पर देखा ही होगा। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि एक ही दिन में धरती से दो दो एस्ट्रॉयड का टक्कर हो सकता था। साइज के हिसाब से 2012 DA-14 उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस 30 मीटर वाइड एस्ट्रॉयड की कीमत 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के इक्वल है। 2016 में इंडिया का GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 2.264 ट्रिलियन डॉलर, मतलब उस एस्ट्रॉयड से पूरे इंडिया का GDP लगभग 10 गुना कम था। इस एस्ट्रॉयड की कीमत इतना ज्यादा है कि अमेरिका जैसे रिच कंट्री के हर हाई स्कूल पास बच्चे की कॉलेज एजुकेशन के सारे एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकता है, वो भी 114 साल के लिए। तो ये सुन के आपको तो एक आइडिया हो ही गया होगा, इतना वैल्यू होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे महंगा एस्ट्रॉयड नहीं है। एस्ट्रॉयड 1903 LU जो अभी तक ब्रह्मांड के साथ सबसे बड़े एस्ट्रॉयड में से एक है, जो मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट पर मौजूद है, जिसके अंदर निकेल, कोबाल्ट, वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का अमाउंट काफी ज्यादा है। 323 किलोमीटर वाइड इस एस्ट्रॉयड की कीमत 15.38 क्विंट्रिलियन डॉलर्स है। अब ये 15.38 क्विंट्रिलियन डॉलर्स कितना ज्यादा है? एग्जांपल के तौर पे एक यूएस डॉलर का लेंथ होता है 16 सेंटीमीटर। अगर एक डॉलर के एक नोट को 15.38 क्विंट्रिलियन नंबर जितने एक डॉलर के नोट से एंड टू एंड ज्वाइन किया जाए, तो इस 15.38 क्विंट्रिलियन डॉलर से बने इस लाइन का लेंथ होता है 2.46 × 10⁻¹⁸ मीटर, जिस लेंथ से धरती और प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो कि सूरज के बाद सबसे करीब स्टार है, वह तक का डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आ सकता है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 30-30 बार। एस्ट्रॉयड 1999 JU-3 एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसका पोजीशन एस्ट्रॉयड माइनिंग करने के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि ज्यादातर एस्ट्रॉयड की कीमत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन एस्ट्रॉयड का पोजीशन इतना ऑड होता है कि वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। 1999 JU-3 की कीमत भले ही सिर्फ 83 बिलियन यूएस डॉलर हो, लेकिन इस एस्ट्रॉयड से वैल्यूएबल मिनरल्स को निकालना बाकी और एस्ट्रॉयड के मुकाबले काफी इजी और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और हो सकता है कि आने वाले 20 से 30 साल के अंदर यही गैलेक्सी का पहला एस्ट्रॉयड हो जिससे इंसान वो वैल्यूएबल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए। जैसे यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आने वाले 10 साल के अंदर एस्ट्रोनॉट एस्ट्रॉयड में जरूर पहुंच पाएंगे, और तभी शायद दुनिया को मिलेगा अपना पहला ट्रिलियनर। After decades of neglect, we will increase investment right away in other groundbreaking technologies that will allow astronauts to reach space sooner and more often, to travel farther and faster for less cost, and to live and work in space for longer periods of time more safely. We'll start by sending astronauts to an asteroid for the first time in history. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।